चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजय जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैसे सीड से। अजय जी देख रहे हैं कैसे सीड का वायदा बाजार लगातार 7200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज जाके कुछ हल्की सी करेक्शन बनी है 0.25% की, आपको क्या लगता है क्या ये करेक्शन अभी थोड़ी और गहराएगी और जो लेवल है 7000 के नीचे गिर सकता है? आज के नीचे का मुझे जाता हुआ नहीं लगता। मार्केट के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे आया हुआ है जी, तो थोड़ा बहुत हो सकता है 7100 तक का लेवल दिखा दे, पर उसके बियॉन्ड मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओवरऑल एक माहौल है प्रॉफिट बुकिंग का, उसके तहत आया हुआ है। अभी 7100 का लेवल बहुत बढ़िया है, इस लेवल पे लेके चलना चाहिए। जो ऊपर में 7600 तक का लेवल दिखा देगा, दूसरा मार्च में अराइवल प्रेशर भी रहता है जिसके चलते थोड़ा दबाव रहे, बट 7000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैटर लेके चलना चाहिए। क्रॉस ट्रिगर में ऑलरेडी देखा है, इंडस्ट्री डिमांड थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, पर ध्यान रखिए अभी रिसेशन का जो माहौल बन रहा है ये थोड़ा थोड़ा कमोडिटी जो नॉन रिसेशन प्रूफ कमोडिटी है, मैं वापस कैटेगराइज करना चाहूंगा। अब आपको ये ढूंढना है 2022 में ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो रिसेशन प्रूफ कमोडिटी है और ऐसी कौन सी कमोडिटी जो रिसेशन प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है टेक्सटाइल को थोड़ा ध्यान रखिए कि रिसेशन प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो इंडस्ट्री डिमांड में ड्रॉप आएगा जिसका खामियाजा पड़ सकता है। लेकिन क्रॉप साइज को देखते हुए मुझे लगता है कि पेंडिंग मार्केट 7800 तक जाने की ताकत रखता है, तो हमें थोड़ा सा बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अभी भी रखना चाहिए जी। अजय जी बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम ग्वार सीड में आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी तो आपने उस समय बताया था कि 15 से 20 मार्च के आसपास अगर यूएस कोई स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करता है तो ग्वार के प्राइसेस में थोड़ा हाइक डब देखने को मिल सकता है अगर उस स्टिमुलस पैकेज में ऑयल को लेकर कुछ चर्चा होती है। हम देख रहे हैं कि उससे पहले ही ग्वार गम ग्वार सीड में यहाँ से हल्की हल्की बढ़त आनी शुरू हो चुकी है, आपको क्या लगता है क्या ये बढ़त यहाँ पर सस्टेन रहेगी ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर ये जो देखने को मिली है? बिल्कुल, मैंने आपके चैनल पे करीबन 4 महीने से 5 महीने से कंटिन्यू बोल रहा हूँ गवार में मेरा व्यू साइडवेज टू नेगेटिव है, और हमने इसी बीच प्राइजेस को 5600 का लेवल टेस्ट करते हुए देख लिया। मैंने डेट के साथ बताया था कि 15 से 20 मार्च के बाद ही इसमें कोई तेजी बनेगी और यूएस से हमें इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई देगा। दो दिन पहले ही यूएस ने क्लियरिटी दी है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर रशिया से ये ऑयल इंपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपना खुद का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा, और खुद का जो प्रोडक्शन सेल का बढ़ेगा तो उसमें गवार का यूज बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जो अब तक मैं 4 महीने से आपके चैनल पे कहते आ रहा था कि गवार से दूरिया बनाई है और 5600 का लेवल हम देख चुके थे, अब मैं बोलता हूँ गवार को जितना लेना है लेके चलिए ऊपर में 8100 तक का लेवल मुझे लगता है, क्योंकि जिस ढंग से यूएस ने जो स्टेप लिया है उसके बाद तुरंत आप देखिए EIA का और IEA का भी अपडेट आया है कि यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और 2030 तक ये 13 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन रख देगा जो नंबर वन पे और ज्यादा मजबूती करेगा। तो अब जाकर गवार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा जो मुझे लगता है 6550 का लेवल तोड़ने की देर है। करंट लेवल से भी आप लेके चलिए 5600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, जो 6550 का लेवल पहला ट्रिगर रहेगा बाइंग के लिए, वो ट्रिगर होते ही आप समझ के चलिए 7100 और 7500 ये सब तोड़ते हुए 8100 का लेवल दिखाएगा। दवार में सबसे अच्छी बैठ है इस वक्त, दवा लेके चलिए जी। अजय जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हम ठीक वैसे ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं जैसा आपने बताया था कि अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकती है, थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है मसालों के अंदर। हालांकि हमने बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन फिर से वहां से हल्की सी करेक्शन आ चुकी है, आपको क्या लगता है
क्या अभी मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो हिट हो चुकी है रशिया यूक्रेन की वजह से, जिसकी वजह से इतनी जो डिमांड है वो नहीं उठ पा रही है? हालांकि आगे रमजान भी आने वाले हैं, तो क्या रमजान की वजह से कुछ एक्सपोर्ट डिमांड उठ सकती है और क्या मसालों में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्च में अराइवल प्रेशर भी रहता है? देखिए, सबसे पहले मैं गवार को नॉन एसेंशियल कमोडिटी मानता हूँ, और ये नॉन हम बोल सकते हैं कि रिसेशन कमोडिटी है, मतलब रिसेशन हिट होगा तो गवार पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला चीज है, मुझे लगता है गवार सॉरी मसाले में, तो मसाले में मुझे लगता है कि प्राइजेस आने वाले प्राइजेस आने वाले महीने दो महीने में एक अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। तो पहला चीज आप समझिए, अभी मसाले को लेने का टाइम नहीं हुआ है। सेकेंडली, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, रमजान 2 अप्रैल का है, मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, आज है 10 मार्च। अगर मैं आज कोई भी कंसाइनमेंट अगर भेजता भी हूँ तो कम से कम जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है या अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर है, तो कॉस्ट है, इनको देखकर मैं बात करूँ तो इट इज नॉट फीजेबल, क्योंकि ये आज 10 से 12 दिन में पहुंचेगा और डिस्ट्रीब्यूशन होने में टाइम लगेगा। तो अब जो रमजान के लिए जो एक्सपोर्ट किया जाना था उसका टाइम निकल चुका है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट की डिमांड आनी चाहिए। दूसरा, अगर एक्सपोर्ट की डिमांड आ भी रही है तो कॉस्ट जो क्रूड की तेजी की वजह से जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है एग्जॉर्बिटली, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो एग्जॉर्बेबल नहीं है। तीसरा, ये लेवल पे कोई स्टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डिमांड की अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई थी। पिछले हफ्ते ही अपडेट आया कि चाइना में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन का जो तेजी है ये आपको अटकाने की पूंजी है। सामने अराइवल कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं है कि क्रॉप 100% खराब हो चुकी है। ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में करेक्शन आने से, 2 दिन पहले ही एक करेक्शन आया था जिसमें 19,500 का लेवल हमने जीरे में आते हुए देखा था और धनिया में भी ऐसा ही कुछ फॉल हमने बनते हुए देखा। तो मुझे लगता है अगले 2 महीने तक स्पाइसेस से जीरा और धनिया से दूरियां बना के चलिए। 18,500 से 18,800 के बीच में जीरे को एक बार देखा जा सकता है लेने के लिए, और वहीं धनिया में भी मुझे लगता है 4,800 तक का लेवल मिले तो वहां पे देखा जा सकता है लेने के लिए। लेकिन एक खास चीज बताता हूं मैं, वो है रिसेशन। जब जब क्रूड में इतनी बड़ी तेजी आई है तो इकोनॉमी रिसेशन में गई है, और अगर इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो मसालों पे उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आपको अब ये चुनना है कि कौन सी कमोडिटी है जो रिसेशन प्रूफ है और कौन सी कमोडिटी है जो रिसेशन में दबेगी। तो मुझे मसाले में अगले महीना डेढ़ महीना एक अच्छी गिरावट या मार्केट में ऐसी, जैसे मैं जवाब से भी कहता था कि मार्केट में आपका व्यू न्यूट्रल टू वीक होना चाहिए, मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक है। ये लेवल पे अगर आप लेते हैं तो पैसा नहीं बनेगा। एटलीस्ट 18,500-19,000 के बीच में आपको जीरा लेना है, 8,500 से लेकर 8,800 के बीच में धनिया लेना है। अगर रिसेशन हिट हुआ तो प्राइजेस वहां पे अटक जाएगी, तेजी नहीं करेगा। तो समय से काम कीजिए, अगला 2 महीना मसालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम ठीक अभी भी वैसे ही देख रहे हैं, सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार है। खबर निकल के सामने आई है कि यूक्रेन ने अपने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें दूध के उत्पाद भी शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या उसका असर भारत में बिनौला खल की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई देगा क्या? बिनौला खल में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज एक चीज सिंपल समझिए, मैंने फरवरी के लिए कहा भी था कि ना ये 3,000 के नीचे जाएगा ना 2,400 के ऊपर जाएगा। आज भी मुझे लगता है मार्केट में रिबाउंड है, पर हाँ, जो मैं रिसेशन की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट करेगा इस पे भी। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेशन नहीं है, बड़ा सेलॉग जैसा सिचुएशन नहीं लग रहा है। 3,000 से लेकर 3,050 का अप्रैल वायदा 20 बना लेगा, अब साइड में एक बार 3,500-3,520 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक बड़ा जंप आते हुए देखेंगे। बट जो पहले मैं 4,000 की बात कर रहा था वो उसका ट्रेंड थोड़ा लूज हो रहा है, बिकॉज क्रूड की तेजी की वजह से रिसेशन का माहौल बनना चालू हो चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए तेल की कीमत कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन हायर साइड पे मुझे लगता है कि प्राइसेस को थोड़ा कैपिंग है। तो मुझे लगता है जो 4,000 का लेवल मैं बोल रहा था अब उसका रेंज हो जाता है 3,600 से 3,800
लेकिन मार्च महीना तेजी का रहेगा, अप्रैल में मार्केट करेक्शन लेना चालू करेगा टेम्परेरी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि आप 3,000 से 3,300 का रेंज पकड़ के चलिए, 3,300 के ऊपर निकले तब हम उसमें एक नई तेजी की लहर देखेंगे, बट वो खाली मार्च महीने के लिए रहेगी जी। इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर आप एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है, सीपीओ हो, सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, सब में ही लगातार तेजी है। सीपीओ में भी देख रहे हैं एक के बाद एक नया रिकॉर्ड लेवल देखने को मिल रहा है, उस ठीक वहीं पे देख रहे हैं सोयाबीन भी इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेज हो रखी है। आपको क्या लगता है अब एडिबल ऑयल में क्या इंडिया में भी प्राइसेस हाइक्ड अप होने वाले हैं, क्या इंडिया में भी अब एडिबल ऑयल एक नया लेवल दिखाता नजर आएंगे? एडिबल ऑयल में मुझे लगता है आने वाले टाइम में और तेजी बढ़ सकती है, उसके 5-7 कारण है। पहला कारण आप समझिए, क्रूड की तेजी की वजह से पाम ऑयल तेज है। पाम ऑयल की पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि मूंगफली और मस्टर्ड ऑयल के ऊपर पाम ऑयल पहुंच चुका, नहीं तो कभी भी हम ये सिनेरियो नहीं देखते हैं। सेकेंडली इंडोनेशिया ने भी एक्सपोर्ट पे कैच किया है, जिसका इंडिया को सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। रुपए की कमजोरी है, ये भी असर करता हुआ दिखाई देगा। साथ में यूक्रेन से जो सनफ्लावर ऑयल जो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल सप्लाई के लिए नेगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉटन पूरे जो तेल काउंटर है उसमें अभी भी तेजी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी जी। अजय जी वैसे हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सरसों के जो अराइवल्स हैं भरपूर हैं और सरसों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, तो क्या ऐसे में तब भी जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट रहेगी एडिबल ऑयल की, जो प्राइसेस हैं वो क्या तब भी तेजी की ओर ही जाएंगे? देखिए वो फैक्टर है वो डोमेस्टिक को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जब तक ग्लोबल मार्केट में तेजी बनी हुई है उसका एक इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से जो इंटरेस्ट में तेजी आई थी ना, उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जैसे हम मार्च के बियॉन्ड निकलेंगे और अराइवल कम होते हुए दिखाई देंगे, तुरंत हम देखेंगे इसका एक असर, एक बड़ा एग्जॉर्बिटेंट जंप आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई जल्दी रिलीफ आएगा, जून के बाद ही हो सकता है आपको रिलीफ मिलना चालू हो, उससे पहले नहीं बनेगा जी। अजय जी एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? अजय जी एग्री में टॉपिक्स करेंगे आपकी तरफ से? एग्री में सबसे अट्रैक्टिव मुझे अब जो लगता है अगले 3 महीने के लिए वो है दवात। करंट मार्केट से दवात लीजिए, 5600 का स्टॉप लॉस रखती है, साथ 100 से लेकर 8000 का टारगेट हम 2 से 3 महीने की अवधि के लिए लेके चल सकते हैं। दवात सबसे टॉपिक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है और आगे जाके किस कम्युनिटी में लाभ कमाया जा सकता है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।